बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। एंड व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर जो है उसके मेंटेनेंस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो राइज मतलब जो है वो एवरेज, वो शुरू होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या करता है, हमारे जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है। सेल की जो एक्टिविटीज़ है उन पे टेम्परेचर क्या करता है, असरअंदाज करता है। अब देखें कि थर्मो रेगुलेशन अब हम डिस्कस करेंगे किसमें, एनिमल्स में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एज यू नो दैट एनिमल्स सम एनिमल्स हीट गेन एक्सटर्नली एंड सम एनिमल्स हीट गेन इंटरनली। सो हेयर आर द बॉडी सोर्सेज ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस। सो आपको पता है कि एनिमल जो है वो क्या करते हैं, टू बेसिस सोर्सेज के जरिए। कुछ एनिमल्स एक्सटर्नली हीट करते हैं, या हम जो है वो दो तरीक़ों से भी हीट जो है वो करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली हम हीट किससे लेते हैं, सोलर रेडिएशन यानी कि सन से लेते हैं। ठीक है, इंटरनली जो है वो हम कैसे करते हैं हीट ऑब्टेन, हम करते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए, यानी कि हमारे मसल्स वगैरह की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तब क्या होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ऑर्गेनिज्म हीट लॉस करते हैं रेडिएशन के जरिए, कंडक्शन के जरिए, और उसके ज़रिए क्या है, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड में, कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होती है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल्स। एनिमल जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पुइक्लोथर्मिक्स, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं होम्योथर्म्स, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। पुइक्लोथर्मिक जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। इनका वेरिएबल टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर ठंड होगी तो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अगर गर्मी होगी तो भी इनका टेम्परेचर चेंज होगा। ये अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं है कर पाते। ठीक है, अब इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है होता, ये फ्लक्चुएशन यानी कि चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास फिशेज, एम्फीबियन और मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं इनका जो है ये कैटेगरी आते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड में। होम्योथर्मिक्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं हमारे पास वो एनिमल जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, और ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, अब टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं, 3 आ जाते हैं पोइक्लोथर्मिक में और 2 आ जाते हैं होम्योथर्म्स में। ठीक है, अब आपको पता है कि जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, होम्योथर्म्स और जो है वो पोइक्लोथर्म्स, इनको हम एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स भी मतलब इनको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है वो डिस्कार्ड यानी कि चेंज किए गए हैं। पोइक्लोथर्मिक को जो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और जो कंट्रास्ट में हमारा टेम्परेचर होता है होम्योथर्मिक जो है वो ऑलवेज सेम नहीं है होता। ठीक है, जिस तरह हम टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो पोइक्लो और जो होम्योथर्म्स हैं इनको हम एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, यानी कि पोइक्लोथर्म्स होते हैं हमारे पास एक्टोथर्म्स, और होम्योथर्म्स हमारे पास होते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है, एक्टोथर्म्स हमारे पास वो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी किससे, बाहर से। ठीक है, जैसे कि लिजर्ड बास्किंग करती है किसको, सन को, बिहेवियरल मैकेनिज्म के जरिए ये क्या करती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। एंडोथर्मिक जो है वो अपनी जो हीट एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, अब एक एनिमल से हमारे पास जो जैसे कि एनिमल है हमारे पास कुछ एनिमल्स हमारे पास आते हैं तीसरी कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं हेट्रोथर्म्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके पास वेराइटी ऑफ द टेम्परेचर, ये वेरी वाइडर रेंज में होते हैं। बैट, हमिंग बर्ड, ये हमारे पास आते हैं इस हेट्रोथर्म्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो बिहेवियरल एनिमल जो है वो थर्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टू टाइप्स है हमारे पास, एक है बिहेवियरल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। हम अपने बिहेवियर के जरिए भी टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बिहेवियर के जरिए कैसे, जैसे कि हम क्या करते हैं अपने बिहेव के जरिए अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं, एक जगह से हम दूसरी जगह चेंज कर चले जाते हैं, तो ये हमारी क्या है, बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन। या फिर हम क्या करते हैं, सर्दियाँ होती है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्मियाँ होती है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे पास बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन है।
फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में क्या होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर जो कि सिंपली हमारी फिजियोलॉजी जिसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करे, जिसमें हमारे इवोपोरेशन हो, कूलिंग, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन मेन में, कि मेन में थर्मोरेगुलेशन किस तरह होती है। जो बेस मेटाबॉलिज्म होता है हीट जनरेशन का, मेमल जो होते हैं उनका जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो होता है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्ड्स का होता है 41 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और मोस्टली एनिमल्स का होता है यानी कि 36 to 43 इतनी रेंज तक जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब टू वेज है हीट प्रोडक्शन करने के, शिवरिंग, सर्दियों में हम कांपते हैं, क्यों कांपते हैं, क्योंकि हम हमारी उस टाइम शिवरिंग होती है। दूसरी होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है, शिवरिंग जो हम कांपते हैं, और दूसरी नॉन शिवरिंग। एनिमल्स के अंदर जो है वो ब्राउन फैट होती है, यानी कि स्किन के नीचे क्या होती है, फैट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, थर्मोरेगुलेशन होती है। अभी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि ठंड में अपने टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, दूसरा है वही हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में आते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मो जो है वो जिनेसिस, जिसमें नॉन शिवरिंग में आती है हमारे पास, यानी कि जब हम कांपते नहीं है, इरेक्शन ऑफ हेयर होती है, रिडक्शन होती है ब्लड फ्लो में, और दूसरी होती है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, और जो है वो ये होती है इरेक्शन ऑफ हेयर। आपको पता है कि सर्दियों में हमारे जो हेयर है ये वर्टिकल पोजीशन में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो इरेक्टर प्लाई मसल्स होते हैं ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फरी एनिमल्स के आपने देखे होंगे कि उनके ट्रैप कर लेते हैं, वो किसको, उनकी थिक लेयर होते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और दूसरा है रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, हीट की जो है वो ट्रांसपोर्टेड होती है, जब ब्लड होती है वो राउंड बॉडी में, जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है कि आर्टरीज हमारी बिल्कुल नेरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वासो कंस्ट्रक्शन हो जाता है और ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं है हो पाता, ठीक है। तीसरा है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, मोस्टली जो मेमल्स है वो अपने फैट स्टोर करते हैं अपने एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, अपने खुद को टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हमारे पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें हम कांपते हैं। कोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि मसल जो है वो कांपने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं शिवरिंग। ये कोल्ड कंटिन्यूस शिवरिंग की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है हमारी मसल्स में और हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बिहेवियरल मैकेनिज्म में वही हम मूव करते हैं, वार्मर लोकेशन अगर ठंड होगी तो, ठीक है, क्योंकि हम कोल्ड टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एडिशनल क्लॉथ वेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अब गर्मियों में भी हमारे टू टाइप्स ही है, एक है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम वही क्या करेंगे, कूलर लोकेशन में जाएंगे और थिन क्लॉथ वियर करेंगे, और फिजियोलॉजिकल के जरिए हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी के क्या होते हैं, हेयर्स वगैरह जो होते हैं वो रिड्यूस, यानी कि इंस्टेंट इफेक्ट करते हैं। फैट सबक्यूटेनियस फैट जो है उसमें वो चर्बी जो है, पसीना जो निकलता है, इवोपोरेट होता है, कूलिंग होती है, और इसके ज़रिए भी हम मेमल्स क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, स्वीट जो पसीना निकलता है हमारे स्वीट ग्लैंड से, वो भी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्रोमोट करता है किसको, हीट लॉस को। अब सर्दियों में होती है वासो कंस्ट्रक्शन और गर्मियों में होती है वासो डायलेशन, रगें बढ़ जाती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है सब कुछ एनिमल्स के पास जो है वो स्वीट ग्लैंड नहीं है होते, उनके पास स्केंटी ग्लैंड होते हैं स्किन में, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं काम किसका, पेंटिंग का। पेंटिंग मोस्टली ये डॉग्स में होता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने लूज करते हैं हीट जो है वो निकालते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, एफिशिएंट मेथड है जिसके ज़रिए हीट लॉस करते हैं अपने माउथ के ज़रिए, ठीक है। टंग इनकी जो है वो उसमें से इस तरह पानी निकल रहा होता है, ठीक है, ये पानी यूँ समझे कि इनका पसीना होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेंटिंग, ठीक है। आपका इस पर एक MCQs भी होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, वो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी को सेट पॉइंट पे रखता है, बॉडी को एक खास जो है वो टेम्परेचर जो है वो उस पर मेंटेन करके रखता है, ठीक है, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, अप्रोप्रिएट जो होता है उसमें नॉर्मल करके रखता है, ठीक है।
हमारी होम्योस्टेसिस को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, फैसिलिएट करता है। जिस तरह ये पेंटिंग हो गई, वासो कंस्ट्रक्शन हो गई, वासो डायलेक्शन हो गई, ये सारा रोल होता है किसका, हाइपोथैलेमस का, जो कि पार्ट है किसका, ब्रेन का, जो कि हमारी बॉडी का थर्मो स्टेट है। लास्ट इज फीवर। फीवर जिसको हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल सेट पॉइंट से बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमें क्या हो गया है, फीवर हो गया है। ठीक है, फीवर जो है वो तब भी होता है जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, दूसरा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो ये नॉन इन्फेक्शन यानी कि फीवर जो है वो कॉन्सिक्वेंस जो मैक्रोफेजेस जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पायरोजेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि ये ग्रोथ जो पैथोजन जो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज़ काज करते हैं उनकी रोकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बुखार हो रहा है तो आप समझे कि ये बुखार हमारे लिए नुकसानकारी है, ये बुखार हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। क्यों फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की उनको रोक देता है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 जो MCQs है फ्रॉम बुक पेज नंबर 23 एंड 24, ये आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है और सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।